ठीक है ऐसा इधर से बैठो तुम वहां से बैठो थोड़ा बीच में आओ कैमरा चालू करो कहाँ से आए थे कौन से गांव से आए थे शेवड़ी शेवड़ी तालुका जिला कुछ जिला परवन अच्छा तो सुन तुम्हारी कस्टमर है मराठी मराठी है अच्छा तुम यहाँ पर इलाज को आए तो पेशेंट को क्या क्या तकलीफ होती थी पहले घबराहट होती थी और दर्द होता था और थर थर का पना आता था और पेशेंट का नाम क्या है सुभाष जोर से बोलो सुभाष भगवान राव तुरे और उनकी जात कौन सी धर्म वर्म मराठा मराठा है हिंदू ठीक है और दूसरी बात यहाँ पर तुम इलाज को आए तो यहाँ तुम्हारा कुछ हिंदू मुसलमान भेदभाव ऐसा कुछ लगा क्या महसूस हुआ क्या नहीं हुआ हाँ नहीं सबको एक समान देखा समान देखा हाँ चाहे हिंदू रहो मुसलमान रहो सिख रहो ईसाई रहो सबको मैं एक समान देखता और मैं सबको एक समान इलाज करता सब मेरे वास्ते उत्ते चे जितता कोई भी जात और कोई भी धर्म का इंसान इंसान है और इंसानियत के वास्ते मैं इलाज करने को बढ़िया लूँ मुझे तुम फिरकों में और धर्म में बांटेंगे ये बात अलग है क्योंकि अल्लाह ने मेरे को चुने वाला है सबके वास्ते और मैं सबकी मदद कर रहा हूँ हर जात वाले की हर इंसान की जात का चोला बाहर यहाँ से चौखट के दूरी फेंक देना पड़ता लोगों को क्योंकि यहाँ जात पात का कुछ नहीं यहाँ अल्लाह का निज़ाम चलता है अल्लाह की तरफ से और अल्लाह के बंदे सब है कोई ऐसा हिंदू नहीं कोई मुसलमान नहीं कोई सिख नहीं कोई ईसाई नहीं वो तुम्हारी गंदी सोच है वो तुम गंदी सोच से बांट रहे यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ सबको फैज मिलता अब उन्हों को नए जात के मरेठे हिंदू जो भी है परवनी जिले के कौन से खेड़े के शेवड़ी के तो उनको भी यहाँ मुकम्मल तौर पर फैज मिला और उनके साथ कोई यहाँ भेदभाव नहीं हुआ और यहाँ पर जो खाना बनता मेरे पास में शुद्ध शाकाहारी बनाने लगा था मैं मांस मच्छी मटन अंडा नहीं बनता मेरे पास में लंगर में क्योंकि हर जात और हर धर्म का इंसान आता यहाँ से कोई भूखा भी नहीं जाना और यहाँ से कोई खाली भी नहीं जाना सब फैज लेके जाना सब गुण आना सबको सबको का वो हाँ उनकी तकलीफ दूर होकर जाना बोलकर यहाँ का निजाम चलता अल्लाह की तरफ से तो इसलिए कोई भूखा भी नहीं जाना बोलकर भी मैंने यहाँ पर लंगर में मांस मच्छी मटन अंडा नहीं बनाने लगा था सादा बनता एकदम सादा खाना खाने की भी सोई हमारे तरफ से रहती सब और दूसरी बात कि तुम कितना भी भेदभाव करो लोगों तुम क्या भी करो वो तुम्हारा गंदी सोच है वो तुम्हारा दिमाग है यहाँ भेदभाव नहीं होता और मेरे पे भी तुम बोलेंगे मुझे भी कि हिंदुओं को चेक मत करो वो जात वाले को चेक मत करो तुम्हारी कुछ भी नहीं सुनता मैं क्यों सुनूं तुम है कौन तुम्हारी हैसियत क्या है मेरे सामने मैं अल्लाह के निजाम से चलूंगा ना अल्लाह फरमा रहा ना कि उसके बंदों की मदद करो हर जात वाले की और हर धर्म वाले की मैं बरोबर उसकी तकलीफों को दूर करने को बैठा इन्होंने बहुत सारे जगहों पर लेके भी गए थे दुआ पानियां भी करे होंगे दवा गोलियां भी करे होंगे सबको बताए होंगे कहीं फर्क नहीं हुआ यहाँ बहुत फर्क पहले सब तरफ लेकर गए थे क्या हाँ दवा खाने में लेके गए क्या होता था क्या होता था घबराहट होती थी हाँ सिर में दर्द था हाँ हाथ पर चर चर होते थे हाँ और फिर उसके बाद दवा खाने को और कहाँ कहाँ बताए मानुष को दिखाए परवनी को दिखाए कुछ नहीं निकल रहा फिर जैसी की वैसी तबीयत जैसी की वैसी यहाँ से गांव तरफ चले गए कि और चलो चलो दवा सलाइन लगाए कि थोड़ा फर्क बाद में और तो यहाँ आए तो थोड़ा 90% दो महीने में गिरा था अभी सब हो गए यहाँ टोटल कितने महीने आए तीन बार आए कितने दिन में एक एक बार आए थे एक महीने में एक बार आए जोर से बोलो जरा एक महीने में एक बार आए टोटल तीन महीने में तीन बार आए तो पहली बार में कितना फर्क हुआ था 10% हुआ फिर दूसरी बार में 50 फिर तीसरी बार में 100 पूरा नहीं होगा हाँ पूरा सो और उसके बाद में अब तो कोई तरह से तकलीफ नहीं पेशेंट की भी जबान पूछेंगे क्या हो रहा कुछ हो रहा क्या तकलीफ वकलीफ कुछ नहीं हिंदी में बोलो पूरी दुनिया देखती तुम्हारा अब कुछ नहीं कोई तकलीफ कोई तरह नहीं सब राइट सब इलाज में कोई भेदभाव नहीं कोई छूत अछूत नहीं हाथ नहीं लगा रहा मैं छीरा नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ यहाँ सबको एक समान देखा जाता और ये अल्लाह वालों का दर है और अल्लाह वालों के दर से सबको फैज मिलता तो तुम्हारे गंदे सोचा है तुम्हारे गंदे ख्यालात है और दूसरी बात क्या बोलते तो होगा ना पूरा गुनाया क्या अच्छा लग रहा क्या पहले क्या क्या होता था सोसाइटी के वसवसे भी आते थे क्या ख्यालात विचारत कई सोसाइटी क्या करूँ क्या बोल कैसा जोर से बोलो पेशेंट से पूछेंगे जोर से बोलो कुछ ख्याल आते थे कि सुसाइड कर देना तकलीफ बहुत हो रही बोलकर सुसाइड का वो बोल क्या करने का कुछ नहीं पता नहीं चल रहा था क्या करूँ क्या क्या हो रहा था सिचुएशन समझ रहा था मगर जान देना मालूम हो रहा था
ये भलाएं करते ऐसे हरकतें, जान दे देना, सुसाइड डेल करा देना, दवा गोली का कार नहीं होना, भाई मेडिसिन लो, मैं का मना कर रहा, मैं खुद डॉक्टर हूँ, मेडिकल साइंस की भी मदद लो, मगर कहाँ लो, जहाँ दर्द हो रहा उसका उससे लो ना, जहाँ मेडिकल साइंस का दर्द ही नहीं हुआ तुम बोल रहे चुपी जबरदस्ती इंजेक्शन लगा लगा, फिर तो तुम्हारी बॉडी खराब हो जाएगी ना, सड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी तुम गर्क होगी। हर चीज अलग अलग रहती, तुमको उसको उसके तरीके से हल करना पड़ेगा हर चीज को। जहाँ दवा गोली कार नहीं कर रही, वो दूसरे दुनिया का वार है तुम्हारे ऊपर, उसके तरीके से काटना पड़ेगा। अपने को नजर नहीं आ रहा तो इसका मतलब नहीं है, इसी तो बात नहीं है ना। अपने को गैलेक्सियां नजर नहीं आ रहा तो क्या आसमान में गैलेक्सियां नहीं है क्या? अपन ने जापान और अमेरिका नहीं देखे तो क्या अमेरिका नक्शे में नहीं है क्या? इंसान का दिमाग और वैसा दिल रहता है कि जब तक देखता नहीं मानता नहीं, उसकी सोच रहती, जब तक तुम जादू टोने को मतलब याद को देखेंगे नहीं तो तुम मानते नहीं। और तंत्र मंत्र तुम्हारे दिखे तक बहुत आखिरी टाइम हो जाता, जब तक इंसान की जान लेके चले जाता, जब तक समझ में आए तक लास्ट में, उससे पहले ही तुम हल करो, ईश्वर से इबादत करो, अल्लाह से उसकी रस्सी को थामो मजबूती से, तुमको फैज मिलेगा। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको अल्लाह ने उसका कुरान तोहफे में दिया, अल्लाह है आसमानी ग्रंथ जो भेज कर दिया, पाक ग्रंथ, तुम उसको पढ़ेंगे, उसका फैज हासिल करेंगे तो तुमको फैज मिलेगा। ऐसा ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि ग्रंथ जो नाजिल हुई या कुरान जो आई तो खाली मुसलमान जिसको पढ़ेंगे, खाली मुसलमानों को जिसका फैज मिलेगा, हर इंसानियत के वास्ते उतारी वाली इंसानियत बोलो, पूरे इंसान आ गए उसमें। इंसानियत के लिए अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन बना कर भेजा। अब जो माना ठीक है, जो नहीं माना फिर वो दर दर मांगे सीख, जो ना वो दर दर मांगे भीख, जो ना मांगे सीख, फिर किसका क्या देना? तुम इसलिए पढ़ नहीं सकते कुरान तो बजा के सुनो, मोबाइल के अंदर लगाओ सूरह बकरा, सूरह यासीन, कुछ भी सुनो, तुम्हारी निगेटिविटी, तुम्हारे ऊपर बुरे शक्तियां जो असर कर रहे वो दूर हो जाते, हट जाते, तुम्हारा फायदा मिलता। और क्या पता वो सुनने की बरकत से अल्लाह तुम्हारे दीन की दुनिया की दौलतों से भी नवाज देगा, फिर किसी का मोहताज नहीं रखेगा, दीन की भी दुनिया की दोनों दौलतों से नवाज देगा। तो इसलिए बेहतर है कि पढ़ो, नहीं पढ़ सकते तो सुनो सूरह यासीन, सूरह बकरा, सूरह रहमान, सूरह वाकया, सूरह जिन, सूरह मुजम्मिल, जो तुम सुन सकते हो मोबाइल में डाल के बजा के सुनो, या सूरह बकरा बजाया करो लोगों सुबह सुबह तुम्हारे घर में दुकान में, तुमको उससे फैज मिलेगा, राहत मिलेगी। बाकी तुम जहाँ से फैज मिल रहा सारी दुनिया को ये दर से, तो ये दर को भी तुम हिस्सों में बांट देने की सोच रहे, तुम हिंदू मुसलमान यहाँ पे भी करने की सोच रहे, हिंदुओं को चेक मत करो, वो जय भीम समाज को चेक मत करो, ये समाज को चेक मत करो, वो हिंदू बोले तो सभी चाहगा उसमें, तो ऐसा मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह ने सबको एक समान देखने की यहाँ पे भी ताकत दी, और सब एक समान, एक साथ मिल हिल के रहो, इंसानियत को तुम ऐसा बांट देंगे टुकड़ों में तो फिर तुम्हारा तो बहुत बुरा हाल होगा, ईश्वर तुम्हारा भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए सबसे शफकत करो, सबसे मोहब्बत रखो, सबकी मोहब्बत दिल में लेके चलो तो ईश्वर भी तुम्हारे साथ रहेगा। उस कुछ अरबी में अल्लाह बोलते हैं, उस कुछ इंग्लिश में गॉड बोलते हैं, उस कुछ मराठी और उसमें तुम्हारे वो जबानों के अंदर संस्कृत में ईश्वर बोलते, और वही है उसको उर्दू में खुदा बोलते, और वही है जिसको अरबी में अल्लाह बोलते। और तुम बोलेंगे हमको जरा मंत्रों के हिसाब से बताओ, मंत्र के हिसाब से बताओ क्या? अर्थ ईश्वर स्तुति परत्न पासना मंत्र हा, वो ईश्वर एक है, उसकी कोई शक्ल नहीं है, उसकी प्रतिमा नहीं है, वो ईश्वर को पूजा जाता, वो जगत को पालनहार है इसलिए उसको विष्णु कह दिए, वो जगत का रचनाकार है इसलिए उसको ब्रह्मा कह दिए, वो जगत को जला के राख करने की ताकत रखता है इसलिए उसको ईश्वर, उसको शंकर कह दिए। अर्थ ईश्वर स्तुति परत्नोपासना मंत्र, उसकी कोई शक्ल नहीं है, वो पूजनीय लायक है मगर उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। पहले तुम्हारे को तुम अपने हाथ से प्रतिमा बना के बांट दे रहे उसको, और फिर तुम आपस में लड़ रहे इसका, और उसको फिर गालियां दे रहे, तुम्हारे गालियां किसको दे रहे? तो सोचो तुम्हारे तो ईश्वर को, ईश्वर ही किस है ना। और दूसरी बात अरबी में बोलो, बोले तो अरबी में बोलता मैं, कुल हु अल्लाह अहद, कह दो अल्लाह एक है, देखे वही बात हो रही। मेरे को बोलने लगा तो मैं बोलूंगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, वही बात हो रही। यहाँ पे भी वही बोला जा रहा है, अर्थ ईश्वर स्तुति परत्न उपासना मंत्र, कोई शक्ल नहीं वो ईश्वर की, वो एक है। इधर भी बोल दिया अल्लाह शक्ल की, ईश्वर की शक्ल नहीं, वो एक है ईश्वर, वो अल्लाह, वो खुदा, वो गॉड। तो इसलिए तुम समझो, आपस में मत लड़ो ना, ऐसे हरकतें मत करो ना ईश्वर को। तुम गालियां, तुम अरबी में अल्लाह नाम लेके माज अल्लाह गालियां दे रहे, तभी तो गाली तेरे ईश्वर को जा रही ना, उसका ट्रांसलेशन कर रही हो, संस्कृत में ईश्वर हो रहा, ईश्वर को तू गालियां देता। अंग्रेज अगर ईश्वर को गालियां देगा और उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो गॉड हो रहा नाम, तो क्या गॉड को गालियां देता? उर्दू पढ़ने वाला संस्कृत में ईश्वर को गालियां देगा तो उर्दू में उसका नाम खुदा हो रहा था, खुदा को गालियां देते। अभी तुम्हारे चीज खुद ईश्वर को गालियां दे रहे तुम लोग, समझो। आजकल तुम गालियां देने लगा रहे, आपस में लड़ाने लगा रहे, ईश्वर को बुरा बोलने लगा रहे, भाई सबका ईश्वर एक ही थे, लास्ट का निचोड़ सब ग्रंथों का एक ही चाहता, वो ईश्वर एक है। मैं बोला था ना इससे पहले, भगवान जो है तो
देव जो देने वाला जन्म देने वाली माँ भी तुमको क्या बोलते तो उसको भी तुम देव कह सकते। तुमको सूरज किरण दे रहा वो भी तुम्हारे लिए देव है। संस्कृत को पढ़ो समझो तो समझेंगे। और देव से बड़ा रहता भगवान। भगवान के मायने ज्ञानी, ज्ञान जिसका नहीं उससे ज्यादा। जब देव देवी देवता तुमने देखे भी होंगे बैठे आ लेते उन पर राक्षस हमला करते उन्हों कम पढ़ने लगे तुम देव के पास उन्हों किसके पास जाते भगवान के। और भगवान क्या करता फिर उठ के देवों की मदद करता। जब भगवान देवों की मदद करा तो क्या होता सारे राक्षस जल के राख हो जाते। बाद में भगवान जो देवता रहते वो भगवान का शुक्रिया अदा करके चले जाते। बाद में भगवान लास्ट में ध्यान लगा के फिर बैठ जाता। वो जो ज्ञानी रहता भगवान फिर ध्यान लगा के बैठता। वो भगवान किसका ध्यान लगाता सारे भगवानों की प्रतिमा तुमने जो हाथों से बनाए देख लो वो सब ध्यान लगाते बैठे। वो ईश्वर का ध्यान लगाते वो परमात्मा का ध्यान लगाते जिसने आत्मा को बनाया। ये मेरे को बार बार तुमको इसलिए बोलना है कि तुम्हारे दिमाग में बिठाना है तुम अपने ईश्वर को गाले दे रहे ना। फिर सबसे आखिरी हद पे ईश्वर रहता। ईश्वर जो है वो आखिरी हद का नाम है जिसने सबकी रचना रचा। जहाँ देवी देवता आज ये सब खत्म होते भगवान के सामने आगे। भगवान की ताकत भगवान किससे पावर लेता ईश्वर से। और वो ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है कोई शक्ल नहीं हर जगह दिख दिया है बार बार निकाला है बाइबल में कुरान में है पुराणों में है तुम्हारे ग्रंथों में सब तरफ है पढ़ लो सब का निचोड़ एक ही निकलता लास्ट में जो मैंने लास्ट में पढ़ के सुनाया तुम बातें भी तो वो। और तुम ऐसी हरकतें करोगे तो किसी का कुछ नहीं जाता। जो ना मांगे सीख वो धर मांगे भीख तुमको दुनिया में भरना पड़ेगा आखिरत में भरना पड़ेगा। मरने के बाद तो सबको मालूम है अंतिम दौर मरने के बाद तो हिसाब किताब देना ही पड़ता और अंतिम दौर भी दुनिया का आने वाला। ये सब बातें सब धर्मों में सब ग्रंथों में बताने वाली है। तुम मनमानिया करेंगे तुम धर्म के आड़ में तुम राजनीतियां करेंगे तो तुम बहुत जानवर से भी बदतर हो गए। तुम वो कौन सा जानवर वो नाली में फिरता ना वो उससे भी बदतर हो गए तुम। दूसरे तो छोड़ दो मैं नाम भी नहीं लेना चाहूंगा। तो इसलिए अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और यहाँ का दर ऐसा दर है ये कि यहाँ कोई मैं किसी के साथ भेदभाव करा नहीं और मैं करता भी और मैं कोई करो बोला भी तो नहीं करता मैं क्योंकि मैं दीन हदीस और कुरान और अल्लाह और उसके रसूल की रस्सी मजबूत स्थान के चलता और अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए कि सबके रियल में साथ तो सबको रियल में लेके चलो शफक्कत करो सबके साथ में हदीसों में कुरानों में बताया वाला। इंसान से मोहब्बत करो इंसानियत से मोहब्बत करो जानवरों से मोहब्बत करो पेड़ पौधों से मोहब्बत करो हर चीज से मोहब्बत करो। तो तुम तो सबको बर्बाद करने पे चला गया ले तुमने जानवरों को बर्बाद कर दिए मार दिए रेडेशना लगा के क्या तमाशे करके फिर तुम सारे जंगलों का सफाया कर दिए सारे पानी का सफाया कर दे रहे इन्वायरमेंट को खराब कर दे रहे यहाँ तक कि इंसानियत को भी लास्ट में खत्म कर देने वाले तुम लड़ लड़ के आपस में लड़ा लड़ा के। तो इसलिए अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो मेरी विचारधारा थी जो मेरे तरीके थे मैंने तुमको मेरे सामने बयान करा जो मेरी सोच है जो मेरे अखलाक है जो मेरे ख्याल है। अब तुम जानो और उस पर अमल करो तो फायदा पाएंगे नहीं जानेंगे तो जिसमें मांगे सीख वो दर मांगे भी चलो ठीक है रोक दो।